गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ सेकेंड हैंड कार्स के बारे में, जो कि OLX में बहुत ही अच्छी अच्छी कार बिल्कुल कम कीमत में मिल रही है। आप यकीन नहीं करेंगे उसका कीमत जान करके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो 2016 मॉडल, 2017 मॉडल, वो आपको 1,80,000 में मिल रहा है। या फिर बात करें बोलेरो का, तो वो भी बिल्कुल कम कीमत में 2-2.5 लाख में मिल रहा है। और फिर बात करें स्विफ्ट डिज़ायर का, तो वो भी आपको 2 लाख से 2.5 लाख में या फिर 1.5 लाख में मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों को कि आखिर OLX में ये कार इतने सस्ते में क्यों मिल रही है और कैसे मिल रही है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारा जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्यूचर में जब भी आप OLX पे सर्च करें और कोई कार खरीदना चाहें तो आपका नुकसान ना हो। अब ये मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स लिए हैं OLX से, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं और इसका मैं आप लोगों को डिटेल बतलाता हूँ, उसके बाद बतलाता हूँ कि OLX में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कॉर्पियो 2016 मॉडल है उसका प्राइस 2,10,000 है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिंगल फ़ोटो है, नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2014 मॉडल का स्कॉर्पियो 2,35,000 दाम रखा गया है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2016 मॉडल है जिसका प्राइस 3,20,000 है। तो ये OLX में बिल्कुल फ्रॉड है, इन सब बातों को ध्यान रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं बोलेरो 2013 मॉडल है, अब प्राइस 1,60,000 है, सिंगल फ़ोटो नंबर के साथ में। अब देख सकते हैं कि ऑल्टो 800 है मात्र 65,000 में। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ये OLX में फ्रॉड होता है और इनसे बात करने में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अपना नुकसान नहीं करना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि प्राइस कितना कम है, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या बोलेरो हो या ऑल्टो हो या स्विफ्ट डिज़ायर हो। तो इन चक्कर में आप ना पड़े बिल्कुल भी, इससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये OLX में अभी फ्रॉड चल रहा है। और इस फ्रॉड के बारे में जानना या अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई जेन्युइन बंदा अगर कोई अपना कार सेल करना चाहता है, OLX पे पोस्ट किया है, तो कम से कम उस कार का 4 या 5 पिक्स आपको OLX पे मिल जाएगा, या मैक्सिमम 8 पिक्स होते हैं, 10 पिक्स होते हैं। तो वो समझ जाएँ कि कम से कम वो जेन्युइन है और जेन्युइन प्राइस रखा है, तो आप जान जाएंगे कि वो जेन्युइन है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल कम कीमत डालते हैं, सबसे पहली बात है कि वो अपना डिस्प्ले में नंबर दे देते हैं। दूसरी बात है कि उनका जो कार का पिक्स होता है वो सिर्फ एक पिक्स होता है। तीसरी बात है कि वो प्राइस बिल्कुल कम रखते हैं, इसलिए कि लोग धोखे में आ जाएं और एक्साइटेड होकर के ये कार खरीदने के लिए कॉल करें और बातों में आ जाएं और अपना नुकसान उठा लें। अब होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि स्कॉर्पियो है, 2017 मॉडल है, प्राइस 2 लाख के आसपास रखा है, तो यार इस बंदे को कॉल करना चाहिए। तो जब आप कॉल करते हो तो वो बतलाता है कि मैं आर्मी से हूँ या मैं डिफेंस से हूँ या मैं जो भी हूँ। वो बतलाता है कि आप कार बुक कर लीजिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कार खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप मुझे एडवांस दे दें। अब एडवांस के तौर पे वो आपसे 10,000 मांगते हैं, 20,000 मांगते हैं या 50,000 मांगते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है जिन्होंने अपना एडवांस दिया और वो पैसा उनका चला गया, अच्छा खासा वो अपना नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से वो आपको कन्विंस करेंगे कुछ भी कह के कि आर्मी में हूँ या फिर अपना डिटेल कुछ भी बता करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना है। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो सिर्फ फ़ोटो देख के आप किसी को कैसे पैसा सेंड कर सकते हैं? ये तो आप भी कर सकते हैं, किसी भी कार का स्क्रीनशॉट लेकर के OLX पे अपलोड कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप OLX पे कार देखते हो बिल्कुल कम कीमत में और आप एक्साइटेड हो जाते हो उसको ख़रीदने के लिए, तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आपका नुकसान हो सकता है। आप जा करके पहले उस कार का फिजिकली वेरिफिकेशन करें, उसको देखें वो है कि नहीं है, उसके बाद उसका कंडीशन चेक करें, पेपर चेक करें कि पेपर कितना कंप्लीट है, कितना इनकम्प्लीट नहीं है, उसके बाद आप खरीदें। इस तरीके से OLX पे देख करके, बात करके किसी को भी बिल्कुल एडवांस ना करें। तो आज मैंने आप लोगों को OLX के फ्रॉड के बारे में बताया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है शॉर्ट में कि जब आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हो तो पहले उसको चेक करें, अच्छे से जा करके उसका पेपर चेक करें, उसके बाद खरीदें। और ख़ास करके OLX में ऐसे बहुत सारे एड्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल कम कीमत में हैं, तो उससे आप बात ना करें, या बात करने के बाद भी आप बिल्कुल एडवांस में पेमेंट ना करें,
क्योंकि एडवांस में बहुत सारे लोग पेमेंट किए हैं और वो नुकसान हुआ है। इसीलिए जो लोग ये फ्रॉड करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया है, वो इस ऐड को हर जगह पोस्ट करते हैं, सारे स्टेट्स में पोस्ट करते हैं, और वो कहाँ होते हैं आप ये पता नहीं कर सकते हैं। और वो आप लोगों को कहेंगे कि आप मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू या भीम ऐप के थ्रू किसी के भी थ्रू आप उसे, वो आपको कहेगा कि आप मुझे पेमेंट कर दें। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान में रखें, आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है और एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सारे एड्स बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। और सेकेंड हैंड कार लेना हो तो बिल्कुल संयम से रहें, फिजिकली वेरिफिकेशन करें और जा करके अच्छे से देख के तसल्ली से उसके बाद फिर कार खरीदें। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने आप लोगों को OLX फ्रॉड के बारे में बताया, बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो आप ये वीडियो देखें और समझदारी से काम लें और अपना नुकसान होने से बचाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूं। और आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।